के इस अंक में हम बात करेंगे हथेलियों का और जो हमारे एड़ियां होती हैं, हमारे जो तलवे होते हैं। अक्सर देखा जाता है ऐसे बहुत सारे रोगी होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जैसे हमने हाथ मिलाया तो उनका हाथ बहुत तप रहा होता है। अक्सर उनका हाथ 24 घंटे तपता ही रहता है। हथेलियां और ये जो पैरों के तलवे होते हैं, ये इनमें तपन रहती है। मैं जानना चाहूंगा इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। मौसम कोई भी हो, चाहे वो सर्दी ही क्यों ना हो, उनके तपन रहती ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ डिफेंस के ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें कि ऐसे लोगों को फेल होना पड़ता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि हथेली आपकी सम रहनी चाहिए, ना तो ज़्यादा तपी होनी चाहिए ना ठंडी होनी चाहिए। ऐसे में बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें फेल होते हैं ऐसे लोग। क्या है इसकी वजह? देखिए, हाथ पांव का तपना ये हमारी पाचन शक्ति का सबसे बड़ा नुक्स है। इसमें ऐसे तो पूरे संसार के अंदर पता नहीं हमारे पास कितनी दवाइयां हैं। आयुर्वेद हर चीज को बड़ी गहराई से लेता है। जब किसी के हाथ पांव में बहुत ज़्यादा जलन हो, वो बार बार ठंडे पानी में रखता है, कभी ठंडा कपड़ा पानी में भिगो के हाथ में पांव में लपेटता है, इससे रोग बढ़ता घटता नहीं। जिस टाइम आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई और आपका पित्त बढ़ गया और हाथ और पांव के ऊपर यदि इसका असर आ गया, तो जैसे मई जून के महीने में सूरज की गर्मी से ज़मीन गर्म होती है, ऐसे हाथ और पांव में जलन पैदा होती है। पानी में रखें जो मर्जी करें, उनको शांति नहीं मिलती। और इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में बिल्कुल परंतु स्वास्थ्य विचार में इस चीज़ को बड़ी गहराई से लिया है। जिनके हाथ पांव में जलन रहती है, जिनको पसीना बहुत आता है, उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि 100 ग्राम अच्छी इमली ला के घर रख लें। उसमें से 10-10 ग्राम इमली हर रोज रात को पानी में भिगो दें, 1 गिलास पानी में। परंतु पानी डालना आपने मिट्टी के बर्तन के अंदर भिगोनी है। सुबह उसको मसल करके छान लेना, उसमें 4-5 चम्मच शहद के मिला करके अब उसको पीने में 1 गिलास को कम से कम आधे घंटे का समय लेना। पहले ही दिन आपको 20 से 25% जलन में कमी आ जाएगी। 100 ग्राम इमली आपकी 10 दिन में समाप्त होनी है और 10 दिन में इस तपन का नामो निशान नहीं रहना। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। और जिनका सर्दी गर्मी में पसीना बेहतर रहता है, दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, अब जब आप 10 खुराकें इसकी ले लेंगे तो उसके बाद आपको नॉर्मल पसीना आएगा, जो भयंकर पसीना था समाप्त। इमली और शहद बड़े व पित्त को कंट्रोल करने के लिए अमृत का काम करता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि संसार के अंदर डॉक्टर, हकीम, वैद, सन्यासी, योगी कई मिलेंगे, वो सिर्फ आपको वहम में डाल सकते हैं, वहम से निकाल नहीं सकते। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें वहम निकाला जाता है, वहम में डालते नहीं है। स्वास्थ्य विचार में ना तो किसी रोगी से पूछा जाता है, ना उसके परिवार वालों से पूछा जाता है, ना उसका कागज पत्र देखा जाता है, ना उसकी उम्र से जायजा लिया जाता है। यहाँ का नियम है, बुधवार की यहाँ छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है।
नाड़ी वृक्ष में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी अंदर कमियां पाई जाती हैं वो दवाइयां जड़ी बूटियों से जो बनाई गई वो दी जाती हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। जैसे दूसरी दवाइयों में केमिकल होता है, और जो दवाइयां बनाई जाती हैं यदि ठीक ढंग से दवाई बनाई जाए तो इसमें कोई एक्सपायर डेट नहीं है इसकी। हाँ ठीक है, आप खुले बर्तन में रख रहे हैं, मॉइस्चर जाएगा दवाई ख़राब होगी। जिसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा आप दवाई चाहे 10 साल तक रखें ख़राब होने के लिए, जो मैंने बनाई है सिर्फ काढ़े हैं जो कि बना के 15-20 दिन के अंदर समाप्त करने पड़ते हैं, उतने बनाते हैं हम जितनी ज़रूरत पड़ती है, उससे फालतू नहीं बनाते। आज मैंने पूरे संसार से निवेदन किया है, आयुर्वेद से, यूनानी से, होम्योपैथिक से, नेचुरिस्ट से, एलोपैथिक से, कि जिस रोगी का उपचार आपकी समझ से बाहर है, जिसमें आपको उस रोग को कंट्रोल करने में परेशानी है, उस रोगी को आप मेरे आश्रम में बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा खुला के, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसता रहें, सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में आपको बताऊँगा कि इसके इस अंग में ये रोग है और इसकी दवाई ये है और आपने दवाई ये दी है, ये रोग दबाने की दवाई है, ये रोग काटने की दवाई है। फिर जो मैं दवाई दूँगा उसके 2 घंटे के बाद उसको एक्यूप्रेशर किया जाएगा, एक्यूप्रेशर करने के बाद पहले दिन में उसको 10-15% का आराम मिल जाएगा और वो स्वयं अपने मुंह से कहेगा कि हाँ आज मेरे को राहत है। क्योंकि स्वास्थ्य विचार में जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनाई जाती है, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं, पेटेंट हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आज तक जितने भी मेरे पे छापे मारे गए, दवाइयाँ गई, वो सारे की सारी लेबॉरेटरियों में जाके पास हो गई हैं कि इनमें किसी किस्म का पॉइजन नहीं है, कोई नुकसान देने वाली नहीं है, लाभ ही लाभ देने वाली है। तो अब मैं जो है खुले शब्दों में टीवी के माध्यम से पूरे संसार को चैलेंज कर रहा हूँ कि आज संसार के अंदर चाहे डॉक्टर हैं, चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे नेचुरिस्ट है, किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं है, किसी को पूरी जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है, पहचान ही नहीं है, परंतु मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। और जो दवाइयाँ मैं बनाता हूँ इन दवाइयों को आप किसी भी कोने पर लेकर कहीं भी टेस्ट करा रहे, इनमें किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे काटती हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत में से काटता है।